प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब का दर्शन करेंगे और यहाँ की गौरवशाली इतिहास को जानेंगे। यह किला हमारे भारत देश के पंजाब राज्य स्थित रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब क्षेत्र में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। आनंदपुर साहिब, जिसे कभी कभी आनंद का शहर के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, यह आनंदपुर साहिब भारतीय राज्य पंजाब में शिवालिक पहाड़ियों के किनारे पर रूपनगर जिले में एक शहर है। सतलुज नदी के किनारे पर स्थित यह शहर सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। आनंदपुर साहिब यह वही पवित्र स्थान है जहां अंतिम दो सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी रहा करते थे। यह वह स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। हमारे भारत के गुजरे हुए गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र के पड़ोसी राजा और उनके मुगल सहयोगियों के बीच पनप रहे सिख समुदाय और उनके सहयोगियों की सफलता के प्रति पहाड़ी राजा और उनके मुगल सहयोगी बेहद ही शत्रुतापूर्ण हो गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए आनंदपुर को नष्ट करने के लिए औरंगजेब की भी बुरी नज़र आनंदपुर पर पड़ चुकी थी। आनंदपुर को अपनी शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से बचाने की आवश्यकता को देखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 रक्षात्मक किले की एक श्रृंखला के निर्माण का आदेश दिया। तब 5 रक्षात्मक किलों की एक श्रृंखला का निर्माण हुआ। श्री आनंदपुर साहिब की सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक अभेद किले के निर्माण का निर्णय लिया, जिस पर कभी भी फतेह ना पाई जा सके। तब सबसे पहला किला श्री आनंदगढ़ साहिब का निर्माण हुआ, जो कि एक अभेद और बेहद ही मजबूत किला था। पांच रक्षात्मक किलों के निर्माण में सबसे पहला किला श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार के साथ गुरु के महल में
रहा करते थे और अपना ज़्यादातर समय इस स्थान पर बिताया करते थे। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन के लिए पूरी संगता और श्रद्धालु भक्तजन आया करते थे। इसी स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दीवान लगा करता था और ज़्यादातर जंगों की तैयारी इसी स्थान पर की जाती थी। इस किले पर अनेकों हमले किए गए पर अंत तक यह किला अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहा। पहाड़ी राजा अजमेर चंद और कुल्लू, मंडी, चंबा, गुलेर और श्रीनगर के और पहाड़ी राजा अपने मुगल सहयोगी वजीर खान के सहयोग से अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी पे हमला करने की तैयारी कर रहे थे। जब पहाड़ी राजाओं और मुगलों की बहुत विशाल सेना ने यहाँ इस किले पर घेराबंदी करना शुरू किया तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ काम कर रहे ज़्यादातर लोगों को अपने परिवार समेत इस किले को छोड़कर जाने का आदेश दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार के साथ इसी स्थान पर रुके हुए थे जिनमें उनके चार साहिबजादे और उनकी माता जीतो जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की अपनी माता भी संग थी। धीरे धीरे दुश्मन की विशाल फौज किले के नज़दीक पहुंचती है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख फौज को हुक्म दिया, फिर जंग शुरू होती है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ही इस जंग की अगुवाई कर रहे थे। जितनी बार भी दुश्मन फौज हमला करती उतनी बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता। इस जंग में खालसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि वह किले में महफूज था, मगर दुश्मन फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप दुश्मन फौज को पीछे हटना पड़ा। समय पाकर दुश्मन फौज ने पूरे आनंदपुर को घेराबंदी कर लिया। ना कोई आ सकता था ना ही कोई जा सकता था। सभी खाद्य सामग्री और अन्य आपूर्ति को रोक दिया गया। ये सब लगभग 8 महीने तक चला। धीरे धीरे किले में खाद्य सामग्री और अनाज की कमी होने लगी। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यह जंग इतनी लंबी खिंचेगी। खाद्य सामग्री और अनाज की कमी के कारण सिखों को काफ़ी दिनों तक भूखा रहना पड़ा और हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी और
गुरु साहिब का बहुत ही प्यारा हाथी प्रसादी हाथी भी भूख से व्याकुल होकर यहीं चढ़ाई कर गया। उसी दौरान पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को एक खत लिखा और कसम खाई कि अगर श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस किले को छोड़कर चले जाते हैं तो हमारी तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। सिखों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि हे गुरु साहब, इन पर विश्वास करना ठीक नहीं, यह विश्वास के पात्र नहीं है। इन पर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं, यह बाद में आप पर हमला कर सकते हैं। मगर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे परमात्मा का हुक्म मानकर इस किले को छोड़कर जाने का फैसला लिया। फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार के संग इस किले को छोड़कर चले गए। यह स्थान बेहद ही पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है, जहाँ दूर दूर से पूरी दुनिया से श्रद्धालु भक्तजन संगता दर्शन को आती है और दर्शन का सुख प्राप्त करती है। यहाँ नवनिर्मित गुरुद्वारा साहिब है, जिसे श्री गुरुद्वारा आनंदगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। श्री गुरुद्वारा साहिब के अग्रभाग में किले नुमा इमारत भी स्थित है, जिसे किला आनंदगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। इन दोनों जगहों पे गुरु साहब का प्रकाश किया गया है। आइए इनका दर्शन करते हैं। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस किले को छोड़कर चले गए तो राजा अजमेर चंद की सेना और मुगलों की सेना ने सन 1705 और 6 ईस्वी के समय अंतराल के बीच इस किले को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। फिर सिखों ने इस पवित्र स्थान पर श्री गुरुद्वारा साहिब का नव निर्माण किया। वर्तमान गुरुद्वारा परिसर का निर्माण सन 1970 के दशक के दौरान श्री संत बाबा सेवा सिंह जी द्वारा किया गया था। श्री संत बाबा सेवा सिंह जी के उत्तराधिकारी अब इस गुरुद्वारा परिसर को प्रबंधित करते हैं और आगे विकसित कर रहे हैं। संपूर्ण संगमरमर से निर्मित यह गुरुद्वारा साहिब बेहद ही खूबसूरत नजर आता है, जो कि आकार में वर्गाकार स्थिति में है, जिसमें एक बरामदा भी मौजूद है। गुरुद्वारा साहिब के मध्य में गर्भगृह स्थित है, जहां
गुरु साहिब का प्रकाश किया गया है। गर्भगृह विशाल छत से ढका हुआ है, जिसके ऊपर एक कमल रूपी गुंबद भी मौजूद है, जिसे लोहे और गिट्टी डालकर बेहद ही मजबूती प्रदान की गई है, और शिखर पर सोने का एक कलश भी स्थापित किया गया है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। सतनाम वाहे गुरु। यह गुरुद्वारा साहिब सन 1970 में बनकर तैयार हुआ। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब का संपूर्ण परिसर बेहद ही शांतिमय और आनंदमय है। तो आइए चलते हैं किलानुमा इमारत की तरफ, जो कि गुरुद्वारा साहिब के अग्रभाग में स्थित है, और दर्शन करते हैं वहाँ जहाँ गुरु साहिब का प्रकाश किया गया है। सुर्ख लाल रंग में वर्गाकार निर्मित यह इमारत बेहद ही खूबसूरत प्रतीत होती है। इस किले नुमा इमारत का निर्माण श्री करतार सिंह जी ने सन 1930 के दशक में किया था। इस किले नुमा इमारत का निर्माण उसी स्थान पर किया गया है जहां किले की पुरानी इमारत मौजूद थी। इस किले में प्रवेश करते ही प्रत्यक्ष वह पवित्र स्थान है जहां गुरु साहिब का प्रकाश किया गया है। यह ऐतिहासिक किला आनंदगढ़ साहिब जैसे महसूस होता है कि आज भी रणजीत नगाड़ों की ध्वनि से गूंज रहा है। यह किला हमारे सिख गुरुओं के सच्चे त्याग और बलिदान की एक अनूठी मिसाल है। श्री किला आनंदगढ़ साहिब यह वही स्थान है जहां का चर्रा चर्रा दिसंबर सन 1704 ईस्वी की उस भयानक सर्द रात की याद दिलाता है, जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने पूरे परिवार, माता गुजरी जी और कुछ सिंहों के साथ आनंदपुर छोड़कर
चले गए थे और शत्रु सेना अपने कस्में और झूठे वादों को भुलाकर उन पर टूट पड़ती है। जूझते जूझते जैसे जैसे सरसा नदी पार होती है, गुरु परिवार पर कहर बरसाने वाली यह रात चमकौर में बड़े साहिबजादों की शहादत और छोटे साहिबजादों की सरहिंद में नींवों में चुनवा कर और माता गुजरी का बलिदान लेकर शांत होती है। इस किले की दीवारों में पुराने किले की दीवारों के अवशेषों को देखा जा सकता है, जिसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1689 ईस्वी में बनवाया था और जिसे पहाड़ी राजाओं और मुगलों की फौजों द्वारा सन 1705 और 6 ईस्वी के समय अंतराल में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, सतनाम वाहे गुरु। श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा निर्माणित 5 रक्षात्मक किले भूमिगत रूप से सुरंगों द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे 5 रक्षात्मक किलों की श्रृंखला और भी मजबूत हो जाती है। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब के समीप ही पिछले भाग में गुरुद्वारा श्री तपस्थान साहिब जैता जी भी मौजूद हैं। गुरुद्वारा श्री तपस्थान साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा होने के साथ साथ बेहद ही पवित्र स्थान है, जिसके इतिहास की कड़ियां हमारे गुरु साहिब से जुड़ी हुई हैं। किला आनंदगढ़ साहिब, जिसे श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने सबसे पहले बनवाया था, यह 31 मार्च 1689 ईस्वी के दिन बनना शुरू हुआ था। किला आनंदगढ़ साहिब रोपड़ की ओर से आते हुए दाहिनी की तरफ आता है। किला आनंदगढ़ साहिब लोहगढ़ साहिब के बाद सैनिक दृष्टि से दूसरा बड़ा विशेष केंद्र था। इसी किले में जंग का सारा सामान, शस्त्र, गोला बारूद जमा किया जाता था। पाँच से 6 दिसंबर सन 1705 ईस्वी की रात को जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब छोड़ा, तब वह यहीं से कीरतपुर साहिब की ओर चले थे।
श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब परिसर में ही बावली साहिब भी मौजूद है। तो आइए दर्शन करते हैं। यह बावली साहिब ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद ही पवित्र मानी जाती है। यह बावली साहिब 135 सीढ़ियों वाला एक गहरा कुआं है, जिसमें संगमरमर से निर्मित 135 सीढ़ियां मौजूद हैं। यह ऐतिहासिक पवित्र बावली साहिब 4 मीटर व्यास का एक सीढ़ीदार कुआं है। श्री बावली साहिब का यह पवित्र जल स्तर एक ढके हुए अंदरूनी मार्ग से होकर पहुंचता है। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब की इस पवित्र बावली का निर्माण श्री जस्सा सिंह अहलूवालिया ने करवाया था। यह बावली साहिब बेहद ही पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ का जल इतना पवित्र माना जाता है कि दूर दूर से पूरी दुनिया, देश विदेश, सभी जगहों से श्रद्धालु, भक्तजन, संगता इस अमृत रूपी जल को ग्रहण करने के लिए आती है। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब परिसर में प्रवेश करने हेतु 2 मुख्य द्वार हैं। एक द्वार जो कि किरतपुर से आते हुए दाहिने की ओर पड़ता है और एक द्वार तख्त श्री केसगढ़ साहिब की ओर से आते हुए पड़ता है। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब की ओर केसगढ़ साहिब की ओर से
पक्की सड़क बनी हुई है, जिससे बड़े या छोटे सभी प्रकार के वाहन आसानी से सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब जिस पहाड़ी पर बना था, वह पहाड़ी पहले कच्ची थी, जिसे घुलने से रोकने के लिए 20 से 25 लाख ईंटों के अतिरिक्त बहुत सारा सीमेंट और लोहा डालकर एक बेहद ही मजबूत दीवार बनाई गई है। इस दीवार के ऊपर लोहे का जाल डालकर बेहद ही जटिल तरीके से नींव को मजबूती प्रदान की गई है। मजबूती और शान से खड़ा श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास की एक अनूठी मिसाल है। सभी गुरु पर्व होला महल्ला बैसाखी के पावन अवसरों पर यहाँ बेहद ही धूमधाम और हर्षोल्लास से उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ दर्शन को आने वाले सभी श्रद्धालुओं, भक्तों और सभी संगतों के लिए अमृत रूपी प्रसाद, लंगर और ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब के संपूर्ण दर्शन की संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। प्रिय दर्शकों, श्री गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आए और मन की अपार शांति और हृदय की संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। वाहिगुरु द खालसा, वाहिगुरु दी फतेह, सतनाम वाहिगुरु। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।